इस वक्त देश दोहरी चुनौती से जूझ रहा है। एक तरफ कोविड की चुनौती है तो दूसरी तरफ सरहद पर भी तनाव है। हमारे साथ बात करने के लिए नौसेना के डिप्टी चीफ MS पवार साहब हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त एक बड़ा सैन्य अभ्यास समंदर में चल रहा है मालाबार, और उसमें कई देश हिस्सा ले रहे हैं, क्या महत्व है इस वक्त मालाबार का? भारतीय नौसेना के लिए बड़ी गर्व की बात है कि 24th एडिशन ऑफ द मालाबार एक्सरसाइजेस हम इंडियन ओशन में कंडक्ट कर रहे हैं। साथ में हमारे और 3 नेवीज है, जो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, जापानीज मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी है। और ये एक्सरसाइजेस ऐसे समय में आ रही हैं जब पूरा विश्व कोविड और कोरोना की बीमारी से जूझ रहा है, और इस एक्सरसाइजेस के जरिए हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि कोविड हो या कोविड ना हो, ये हमारी नौसेनाएं मिलकर कॉम्बैट रेडी है, इंटरऑपरेबल है और डिटरमिन्ड है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए समंदर में। और सबसे महत्वपूर्ण, पूरी दुनिया को ये हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि ये एक्सरसाइज के जरिए कि हम सभी मिलकर कमिटेड है, कलेक्टिवली कमिटेड है एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक, जो आसियान देशों की सेंट्रलिटी मानता हो। क्या खास बातें हैं, खासतौर से इस बार ऑस्ट्रेलिया पहली बार हिस्सा ले रही है और हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी चाहे समंदर की सरहद हो या दूसरी उस पर भी तनाव है, तो क्या खास चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर की जा रही हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया कोई दूर देश नहीं है, वो हमारा पड़ोसी है, इंडियन ओशन को ही बिलोंग करता है, और हमारे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है। वो एक डेमोक्रेसी है और एक बहुत ही प्रोफेशनल नेवी है, और इस साल हमने ऑस्ट्रेलिया को इन एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए इनवाइट किया और उन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्ट लेकर हमारा सम्मान बढ़ाया है। एक बड़ा खतरा सर, आतंकवाद एक बड़ा खतरा है, और 26/11 जो मुंबई पर एक बड़ा समंदर के रास्ते हमला हुआ था, उसके 12 साल पूरे होने जा रहे हैं, कितनी तैयार है इन 12 सालों को अगर देखें, और इस वक्त जो चुनौतियां हम देख रहे हैं कि जमीन से लेकर समंदर दोनों तरफ आतंकी चुनौती बढ़ रही है। मैं आपको और पूरे देश को भरोसा देना चाहता हूँ कि भारतीय नौसेना अपने अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ऐसी कोई भी चुनौती, आतंकवाद की चुनौती समुद्र में या समुद्र के रास्ते अगर आएगी तो हम उस पर भारी पड़ेंगे और उसे डिफीट करने में कामयाब रहेंगे। हमने देखा कि कल एक बड़ा आतंकी हमला जम्मू के रास्ते की कोशिश की गई जिसको नाकाम किया गया। हाल के दिनों में उसमें ये भी कहा गया, जो इनपुट आ रहे हैं, कि 26/11 को देखते हुए किसी बड़े आतंकी हमले की तैयारी वो लोग कर रहे थे, तो नौसेना को कुछ दिनों में कुछ इस तरह के इनपुट समुद्र के रास्ते मिले हैं? इसमें कोई शक नहीं कि हमारे दुश्मन हमेशा इस तैयारी में रहते हैं कि कोई मौका उन्हें मिले कि आतंकवादी हमला कराए करवाए, लेकिन अब हमें कोई सरप्राइज नहीं होने मिलने वाली है। हम चौकस है, तैयार है, हमारा यही एफर्ट रहता है कि पूरे मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस को अप टू डेट मेंटेन किया जाए। आप जानते होंगे कि हमारा इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन जो गुरुग्राम में स्थित है, वो हर कोई एक्टिविटी जो समुंदर में चल रही है, हर कोई शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट उनको ट्रैक करता है, और हमें कोई सरप्राइज नहीं मिलने वाले है इस बार अगर किसी ने कोशिश की आतंकवादी हमला करने की। हम पूरी तरह से तैयार है, और मैं दोबारा आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम हर ऐसी कोशिश को नाकामयाब करेंगे जो हमारे देश के विरुद्ध समुद्री मार्ग से की जाती हो। बहुत धन्यवाद। तो नौसेना के डिप्टी चीफ का कहना है कि आतंकी जो चुनौती है वो लगातार जरूर बढ़ रही है, लेकिन नौसेना पूरी तरह से तैयार है, और इस बार खासतौर से आतंकी किसी भी समंदर के किसी भी रास्ते से कोई आतंकी गतिविधि को अंजाम देंगे तो उसे पूरी तरह से नाकाम किया जाएगा। कैमरन पवन के साथ मंजित नेगी, दिल्ली।